भैया जी से मिलवा दो एक बार। हाँ जी भैया, क्या हाल है जी? राम राम। थोड़ा सा एक बार परिचय करवा दो जी। मेरा नाम लोकेश है, गुलशन मेरे पापा जी का नाम है। अच्छा अच्छा। अपराना गांव में जिला गाजियाबाद है। जी जी। तो पापा जी को शौक कड़ाई है जी? हाँ जी, शुरू से ही है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी देख लो को कुछ या? हाँ जी, अभी पापा ही कर रहे ना? पापा भी कर रहे, अब तो मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो घुमाई वुमाई का तक कर रखी जी? अभी सी घुमाई तो जी ऐसी कर रखी, 25 किलोमीटर की। 25 किलोमीटर की। तो इनाम इनाम तो आपका कुछ होगा नहीं गाँव में? ना इनाम इनाम तो ना जी, आपका तो ऐसे ही है अपना। 5-6 गड्ढे सारी है आपका? हाँ 5-6 गड्ढे सारी है। तो भाइयों पिछले साल एक इनाम के हाँ कड़े के साथ है। अच्छा अच्छा। ये भाइयों भज्जू भोरे बन गए हैं, देखो इसको कढ़ाई वढ़ाई भी बढ़िया हो रही है। एक साल पहले लाए थे भैया? पिछले साल ही लाए। अच्छा, उसमें जी ट्रैक्टर तो वो भी बढ़िया था। एक तो इसमें पावर स्टीयरिंग है जी जी, 14 के टायर दे दिए, अगले 750-16 के दे दिए। अच्छा, पावर स्टीयरिंग कर दिया, ठीक है। आपका ये वाला देख लेके देख लेंगे ट्रैक्टर, वैसे बढ़िया, उसके रिजल्ट भी बढ़िया बता रहे थे। अच्छा अच्छा। 5 गेरों में है जी? बताऊंगा जी, इनका लगाए बनवाना। अच्छा, जैसे यहाँ टिपलर आप इतनी दूर गए जी बनवाना, मतलब क्या कुछ खास विशेषता है टिपलर की? ये है जी खासियत जी, इसकी माँ की बनी टिपलर है आज तक जो है, ऐसा कैसे ही है। और किसान जो है देखो, जैसे कुछ लोग जो है मॉडिफाई करवा ला, पेंट करवा ला, टायर तो डलवाए इन्होंने, बाकी का इसमें कोई काम नहीं करवाया। हाँ जी हाँ जी। एक बार आवाज सुनो जी, करियो स्टार्ट। हाँ आवाज तो इसकी गजब होगी जी, ये देख लो जी, ये देखो गजब। अब काम ही चाहिए जी, कर दो एक बार कर लो। तो मैं कह रहा जी, जैसा ट्रैक्टर चला रहे आप जो, हाँ जी, और आज तक इसमें कोई काम भी नहीं हुआ, आवाज तो इसकी जैसी है ही नहीं ट्रैक्टर की। हाँ जी। तो नए कुछ ही नहीं करता? ना जी, मेरा ना करता जी। अच्छा। हाँ जी। इसी चलाने को जी करा? इसी चलाने को जी करा, मतलब ऐसा धाड़ चला है बहुत। हाँ जी। टॉप गियर में जैसे घर से ही लगा लो, ट्रॉली ले जा, सही है बात में जी, कितने वजन उठवा लो टॉप गियर में। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पर। तो भाइयों फपराना गांव में पहुंचे हैं आज, और गढ़ गंगा जी की तैयारी चल रही फुल। अब की बार में भाइयों यहां से भैंसे कम जा रहे, और जो मैं सामने आपको भैंसा दिखा रहा, पिछले साल भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई भैंसे ने। और ये गुलशन भाई का भैंसा है, गुलशन भाई मिले नहीं अभी, उनका बेटा है यहीं पर। तो भाइयों भैंसे का देखो खुला खुंडा तो सिंगार है, देख लो जी। चले जाके लो। अच्छा, पूरा शांत है सब? हाँ ये देख लो जी, जी जी, यो कमाल है जी इसका तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो घूमने में ना। ये देखो भाइयों, ठीक है जी, खुला खुंडा है। हाँ जी। और पैर वगैरह देख लो भाइयों, अभी जो है भैया जी से भी मिलवाऊंगा मैं आपको, पहले फुल साइज में भैंसा है, देख लो जी, पूंछ पुट्ठे। और कुछ इस गांव में शौक ज्यादा ही है गढ़ गंगा जी का, अच्छे अच्छे पशु मिलेंगे आपको बहुत। तो एक बार भैया जी से मिलवा दो एक बार। हाँ जी भैया, क्या हाल है जी? राम राम। थोड़ा सा एक बार परिचय करवा दो जी। मेरा नाम लोकेश है, गुलशन मेरे पापा जी का नाम है। अच्छा अच्छा। अपराना गांव में जिला गाजियाबाद है जी जी। तो पापा जी को शौक कड़ाई है जी? हाँ जी, शुरू से ही है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी देख लो को कुछ या? हाँ जी, अभी पापा ही कर रहे ना? पापा भी कर रहे, अब तो मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो घुमाई वुमाई का तक कर रखी जी? अभी सी घुमाई तो जी ऐसी कर रखी, 25 किलोमीटर की। 25 किलोमीटर की। तो इनाम इनाम तो आपका कुछ होगा नहीं गाँव में? ना इनाम इनाम तो ना जी, आपका तो ऐसे ही है अपना। 5-6 गड्ढे सारी है आपका? हाँ 5-6 गड्ढे सारी है। तो भाइयों पिछले साल एक इनाम के चक्कर में इस गाँव में थोड़ा सा विवाद सा हो गया था, तो अब की बार में लोगों की रुचि सी खत्म होगी भैंसों से। हाँ तो इनाम इनाम कोई नहीं रखा जा रहा, वो गलत भी है क्योंकि पशु के भी साथ ज्यादा अत्याचार हो उसमें। हाँ जी उसमें। हाँ जी हाँ जी। तो ये बहुत मतलब सही भी डिसीजन है, क्योंकि ऐसा गांव जिसमें 50-60 भैंसे जाते हो और इतने डाउन में आया, तो एक मतलब उस चीज का हाँ एकदम डाउन आया गाँव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो विवाद में तो बहुत फर्क जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखो उससे जो है भाई आज, हाँ जी, राड भीड़ होने के चांस रहे तो उससे तो बढ़िया ही है, लोगों ने अपना शौक ही खत्म कर लिया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज बताओ भैया, आप भी गंगा जी मतलब शौक तो आपको भी हो गया जैसे पापा? हाँ जी हाँ, शौक है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जो टोटे का भी सारा काम दिखवाते होंगे? हाँ सारा। अच्छा, जो इसमें मतलब जैसा आपका भैंसा है वो राउंड कितने के निकाल रहा, राउंड भी देखा होगा आपने? 40-42 मार दे। 25 किलोमीटर की आपकी तैयारी जी? हाँ जी। तो पिछले साल भी आपका यही गया था भैंसा? हाँ जी यही गया था। यही गया था जी। बढ़िया रहा इसका? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कभी कितने तारीख में जुड़ेंगे भैंसे? 19 तारीख में जुड़ेंगे। 19 में जुड़ेंगे जी। अच्छा, तो फुल अपना तैयारी चल रही जी? हाँ जी तैयारी चल रही।
तो भाइयों देखो, भैंसे को अगर हम घुमा के दिखाते हैं, आज इनके पापा जी नहीं है यहाँ पे, बाकी का शांत स्वभाव का भैंसा है बिल्कुल, और फुल तैयारी में है। तो खाने पीने में क्या चल रहा है? बस यही दूध घी चने। दूध घी चने, अब तो बाट बंद हो गई, अब तो चने यही चल रहा जी, दूध और घी चल रहा अब तो। अच्छा अच्छा, दूध और घी चल रहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों भैंसा मैंने दिखाई दिया आपको, बाकी का एक बार जेवड़े में खोल के दिखा दो थोड़ा चला। ये तो घना सेड़ा है जी। हाँ घना सेड़ा, कोई बात नहीं, बहुत सेड़ा जी। हाँ मल जी का है तो भाई, ये खुंटे का सेड़ा है ना। हाँ ये देख लो जी, दिखवा रहे घुमा के। चलो बाजी ले आओ, इसे मोल ले आओ, ले आओ। ये देख लो जी। तो भैया कितने दिन से आप आए हो? पिछली साल आया था जी, एक महीने पहले। एक महीने पहले? अच्छा, कितने में आया था जी? जो 1,20,000 रुपए का। भैया देख लो, पिछले साल गंगा जी से एक महीना पहले आया था, 1,20,000 रुपए का। तो कन्नी भर गया होगा अब तो? कन्नी भरा हुआ लिया था, कई साल हो गए। कौन से गांव से लिया था भैया? भोड़े से, भोड़े की झाल। अच्छा अच्छा, भोड़े से। उनका सोनजनी से आया था। अच्छा अच्छा ठीक है जी। तो सोनजनी से इनाम भी जी, इनाम कहाँ कहाँ जी, कितने मीटर की? मैं तो भाई ये देख लो जी, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार। तो भाइयों देखो, परसों ट्रैक्टर भी लेकर आए भैया जी, ये ट्रैक्टर लेकर आए मैसी फर्गुसन 245। ये तो पेनल्टी प्लस दिखा जी। अच्छा अच्छा, हाई लिफ्ट के साथ में। तो इसमें 245 में इससे क्या अलग दिया जी, पहले वाले 45 से जी? ये हमारे पहले वाला भी था, हमने 9 साल रखा। अच्छा कौन सा था जी? 245 डीआई। अच्छा 245 जी था, 50 वाला। तो उसमें इसमें क्या अंतर आया जी? उसमें जी ट्रैक्टर तो वो भी बढ़िया था, एक तो इसमें पावर स्टीयरिंग है जी जी, 14 के टायर दे दिए, अगले 750-16 के दे दिए। अच्छा पावर स्टीयरिंग कर दिया, ठीक है। हम मगा ये वाला देख लेके देख लेंगे, ट्रैक्टर वैसे बढ़िया, इसके रिजल्ट भी बढ़िया बता रहे थे सब। अच्छा अच्छा, 5 गियरों में है जी? हाँ जी 5 गियरों में आया। अच्छा 5 गियरों में आ गया। भाइयों देखो, एक इसमें पावर स्टीयरिंग हो गया, और इससे अलग भी 14 के टायर हो गए, इसमें 13 के टायर थे, अगले टायर भी इन्होंने बड़े कर दिए 750-16 के। और इसके पीछे जो है ये कुछ ज्यादा से निकाल दी। हाँ ये थोड़े से हल्के भार, ये भार का शीट मीटर लगे, लेकिन इसकी ट्यूब भी बढ़ा दिया। अच्छा ये ट्यूब भी बढ़ी, ठीक है जी, ये ट्यूब बढ़ गई। हाँ ये बारीक थी, ये मोटी ट्यूब में आ गया, काफी मजबूत करा ट्रैक्टर पीछे था। और भाइयों इसमें जो है टीलर ले रही है हंस का। हाँ ये देखो भाइयों, हंस का जाना माना ब्रांड, हंस का टीलर हो गया पीछे, और वेट भी लग रहे पहियों पे। तो भैया 35 किलो का आ गया था वेट। अच्छा वो ट्रैक्टर एजेंसी पे लगवा दिया वैसे दिया था ना? वो तो बुआ के चले गया जी। अच्छा बुआ के दे दिया। तो ये कितने में पड़ा भैया? ये 8,10,000 रुपए। 8,10,000 रुपए का, बहुत बढ़िया। तो परसों ही लेकर आए अभी? हाँ जी परसों ही लेकर। अच्छा तो चला के देखा? रमा करेंगे ना, 50 घंटे पहले उसमें लोड भी चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। तो भाइयों भैया जी की अभी गाड़ी थार और स्कॉर्पियो बाहर जा रही है, पापा जी बाहर जा रहे हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। एक चीज और एंटिक बनवा के लाए, ये 10 दिन पहले ट्रोली आई इनके यहाँ बन के। तो भाइयों ये टिपलर बनवाया इन्होंने, टिपलर क्या ट्रोली, ठीक है जी। और ये मैना पुट्ठी बनी है जी, कौन सा काम बताया? पुट्ठी धनोरा। पुट्ठी धनोरा, अच्छा बड़ौद के पास में जो पुट्ठी धनोरा में बनी। तो इसमें भैया बता सको आप, जैसे वहां बन रहे आप वहां गए इतनी दूर बनवाने के? अच्छा जैसे यहाँ टिपलर आप इतनी दूर गए जी बनवाने, मतलब क्या कुछ खास विशेषता है टिपलर की? ये है जी खासियत जी, इसकी वहाँ की बनी टिपलर जो है आवाज नहीं करता। अच्छा एक तो आवाज नहीं करता, ठीक है जी। इनकी फिटिंग विटिंग अच्छी? फिटिंग भी सफाई ज्यादा है जी जी। अच्छा जैसे इतना लंबा हिंच बनवाया जी आपने? ये बनवाया जी जिससे कि लंबे डब भरने में गन्ने मरगाड़ों में लाइट वाइट। अच्छा अच्छा, हाँ मोदी नगर में जैसे भीड़ है तो आप लंबे डब भरोगे? अच्छा अच्छा, तो हिंच कितने इंच का करवाया जी आपने? ये जी 5.5 फुट का। 5.5 फुट का, अच्छा अच्छा। और भाइयों डेगे में देखो इन्होंने जैक दे रखा है, ठीक है जी, जैक वाला डेगा हो गया। और नीचे से देखो तोड़ भी इन्होंने
धुरे से उरे है थोड़ी से ना। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से भी आवाज निकलने का जो आप बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से भी निकलने का नहीं, कहीं से कोई आवाज ही नहीं ट्रोली जी। जी क्या साइज लिया था साहब इसमें? साइज है जी 7 का और 10 का है ना, चौड़ाई है 10 जी जी। और भाइयों टायर दिखा दो एक बार, टायर पड़े इसमें 7/50/16 वाले, ठीक है जी। धुरा थोड़ा सा कमजोर ले लिया जी, धुरा 65 का ही है बस ये। हाँ, उसका ले लिया सुराख वाला। हाँ, 5 सुराख वाले नहीं, 7 का लेते मजा आ जाता। ये देखो भैया पीछे तक भी दिखा दूं। तो भैया कितने में पड़ी हो कंप्लीट? 1 लाख कुछ में पड़ी। 1 लाख कुछ के लगभग पड़ी। अच्छा अच्छा, हाँ धुरा थोड़ा सा 7 वोल्ट वाला आ रहा ना, वो मजबूत आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, देखो भाई, हाँ गिर दिया नहीं, जब इतना मजबूत काम लेके चले तो वो भी गिर जाता। बिल्कुल बिल्कुल, 2000 रुपए का अंतर है उसमें बस। हाँ जी, हाँ ये देख लो भाई, ये 6000। और ये आपने इसमें साइड में ये भी बनवा दिए तख्ते रिटर्न में? हाँ जी, साइड में भी लगवा रखे भाई। तो ये टिपलर बनवा के लाइए, ठीक है जी। और फिरक होगी नहीं की? ये फिरक तो हकी होगी जी मवाड़ा भाजू की। हाँ यार, ये फिरक की बहुत खास बात सुनी, ये भाजू वाली फिरक है। मवाड़े की में कुछ अंतर देखा आपने? आपके गांव में मवाड़े की भी है? अच्छा, कंटा बढ़िया था। अच्छा अच्छा, अच्छा झबके नहीं मारती भाइयों। भाजू भोरे में फिरक बन रही है, हमारे यहाँ मनोज भाई भी लाए थे बनवा के। और इस फिरक की कई चीज है खास ऐसी, अच्छा एक हलती नहीं है। हाँ जो दिमाग मतलब एक कांटा बढ़िया जो नीचे का रुकने का है ना। कहाँ रुका कराया जी? हाँ करडे के हिसाब से। अच्छा अच्छा, ये भाइयों भज्जू भोरा बन गई है, देखो इसको कढ़ाई वढ़ाई भी बढ़िया हो रही है। कई साल पहले लाए थे भैया? अच्छा पिछले साल ही। तो कितने में तैयार हुई थी? 22,000 रुपए की। ये देखो भाइयों, ये पिड्ढा हो गया इनके पास में। और भाइयों अगली वीडियो 10 दिन बाद में आओगी भैया जी की, सारा जो है सिस्टम आज तो वैसे ही आ गया, हम बिना बताओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे भी देखो एक ट्रैक्टर खड़ा है एंटीक। हाँ बैलो भी बनेगी भाई, ये देखो जी। ये कौन सा मॉडल है जी? 1990 मॉडल है भाई। वाह भाइयों, मोदी नगर साइड में जो है मैसी का क्रेज है पूरा, ज्यादा शामली साइड में आपको आईसर मिलेंगे, यहाँ पे 7 दिन मैसियों का बहुत क्रेज है। और कौन सा जी? 90 मॉडल है जी। अच्छा इसमें गाजियाबाद नंबर है जी। तो नया लिया था वो या सेकंड हैंड लिया था? तो रंग वंग नहीं करवाया जी फिर पे क्या? हाँ ये विवाह सही करे। तो इसमें अभी कुछ काम करवाया जी? नहीं, इंजन में कोई काम हुआ? डायफ्राम में दिखाया तो? हाँ जी, हाँ जी, ये देख लो जी। अब तक कोई भी पंप में जी कुछ नहीं हुआ, बस सर्विस हुई है, टायर पड़े। अच्छी है, ये देख लो भाइयों, कमाल की बात है, आज तक जो है ऐसा कैसे ही है। और किसान जो है देखो, जैसे कुछ लोग जो है मॉडिफाई करवा ला, पेंट करवा ला, टायर तो डलवाए इन्होंने, बाकी का इसमें कोई काम नहीं करवाया आज तक। हाँ जी, हाँ जी, एक बार आवाज सुनो जी, करियो स्टार्ट। हाँ आवाज तो इसकी गजब भी होगी जी, ये देख लो जी, ये देखो गजब। अब काम ही करिए जी भाई, कर दो एक बार बंद। तो मैं कह रहा जी, जैसे ट्रैक्टर चला रहे आप जो, हाँ जी, और आज तक इसमें कुछ काम भी नहीं हुआ, आवाज तो इसकी जैसी है ही नहीं ट्रैक्टर की। हाँ जी, तो नए कुछ ही नहीं करता? ना जी, मेरा ना करता जी। अच्छा, इसी चलान को जी करा? इसी चलान को जी करा, मतलब ऐसा धाड़ चला है बहुत। हाँ जी, टॉप गियर में जैसे नुकाय घर से ही लगा लो, ट्रोली ले जा, सही है बात में जी। कितने वजन उठवा लो, टॉप गियर मीठा होगा। अच्छा ब्रेक कमजोर बताओ इसके कुछ? ना जी ब्रेक भी कमजोर ना, जितना तो चला उसके हिसाब से लग जा। गाड़ी तो है ही ना जी, पर ट्रैक्टर है। हाँ जैसा है बढ़िया है, ब्रेक कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बेचने की इच्छा तो ना? नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो भैया देख लो ओरिजिनल चीज, पेंट इसलिए नहीं करवाया कि ओरिजिनल ओरिजिनल। हाँ जी ओरिजिनल ओरिजिनल, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया देख लो शानदार ट्रैक्टर, ओल्ड मॉडल, आज तक कहीं से भी खुला नहीं, मात्र सर्विस हुई ट्रैक्टर की, टायर बदले गए। और 90 मॉडल है ना जी, 1990 मॉडल है, गजब का जी। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।